हाउ आर यू, वेलकम बैक, दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम आरएस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, क्या है क्वेश्चन नंबर 21? अ सर्कुलर वेल विद अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज डग टू द डेप्थ ऑफ 14 मीटर। यानी कि एक वेल डग किया गया है, यानी कि यहाँ पे आपके सामने ये वेल कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो आपके पास हाइट जो है वेल का, दैट इज 14 मीटर, 14 मीटर अर्थ के अंदर डक किया गया, ओके? इसीलिए इसको डेप्थ बोला गया है, ठीक है ना? सर्कुलर वेल विद डायमीटर दिस एंड डग इट डेप्थ ऑफ, इसीलिए डेप्थ बोला गया, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे होगा तो डेप्थ होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा तो उसको हाइट बोल देंगे हम। लेकिन अगर हम सिलेंडर को देख रहे हैं तो ये आपके पास हाइट ही हुआ एक्चुअली, राइट? और डायमीटर आपको गिवन है यहाँ पे 2 मीटर। दोस्तों बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है, हाउ मच, 2 मीटर। तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर, 2 का हाफ क्या होगा, 2/2, दैट इज 1 मीटर। तो रेडियस आपके पास 1 मीटर हो गया, और हाइट आपके पास क्या है, हाइट है 14 मीटर। तो ये सभी डायमेंशन आपको यूज करनी है, आपको निकालना है कि इससे कितना अर्थ जब डक किया, कितना मिट्टी बाहर आया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, राइट? यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितना मिट्टी इसके अंदर से बाहर निकला वो इसका वॉल्यूम होगा। वी हैव टू फाइंड आउट दैट वॉल्यूम। सो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द पाई? 22/7। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर पाई आपको मेंशन हो, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो आपको वही यूज करना है। और MCQs के केस में एक बार सोल्व करने से पहले जरा देख लेना कि कहीं MCQs में आंसर जो है आपके पास पाई की फॉर्म में तो नहीं है। कई बार ये पाई की वैल्यू पुट नहीं करता है, पाई में ही आंसर देता था, ऐसे भी क्वेश्चन आप फ्यूचर में फेस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहां पे पाई में आंसर नहीं है, मतलब पाई का वैल्यू पुट हुआ है। इनटू आर स्क्वायर, आर आपके पास है 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। इनटू हाइट, हाइट आपके पास है 14, दैट इज 14 मीटर, राइट? यहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हैं, नहीं भी पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 2 मीटर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर ओनली। सो आपके पास क्या आया, 22 × 2, दैट इज 44 मीटर क्यूब, राइट? ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर यहां से आएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगा आपके पास, मीटर क्यूब। और वैसे भी आपको पता है वॉल्यूम जो होता है, कैपेसिटी, दैट इज इन यूनिट क्यूब ऑलवेज। सो यहां 44 मीटर क्यूब, यानी कि आपके पास 44 मीटर क्यूब, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज दिस मीटर क्यूब, इफ डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज दिस मीटर 14 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज, यानी कि टैंक की आपसे हाइट पूछी गई है कि आपको टैंक की हाइट कितना है, डेप्थ यानी कि हाइट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यानी कि आपसे ये डेप्थ, इसका डेप्थ कितना है, यानी कि एच कितना है, हाइट है, ये पूछा गया है। वॉल्यूम आपको गिवन है, इस बार कैपेसिटी आपको गिवन है 1848 मीटर क्यूब, और डायमीटर आपको गिवन है 14 मीटर। तो दोस्तों डायमीटर से आपको पता है आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, व्हाट विल बी द रेडियस, तो रेडियस आपके पास हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर? अब देखिए आपको वॉल्यूम गिवन है, हाइट फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम आपको गिवन है तो वहां से आपको हाइट मिल जाएगा। देखिए कैसे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज सिलेंड्रिकल टैंक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अगेन पाई आर स्क्वायर एच, सेम पाई आर स्क्वायर एच, बट वॉल्यूम इज गिवन टू मी, तो यहाँ पे जो भी आपको मेजरमेंट गिवन हो, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले का इक्वल पुट करो, जो डायमेंशन गिवन है वो पुट कर दो, बाकी का वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन होता तो मैं यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखता, ठीक है? तो वॉल्यूम आपको गिवन है, सो आई विल राइट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1848 और मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले के इक्वल टू उसका गिवन वॉल्यूम रख दो। अब यहां पे आपके पास क्या है, आपको एच फाइंड करना है, सो एच को यही रखें, बाकी सब मेजरमेंट को राइट में रखें। कैसे, अब ये मल्टीप्लाई में है, सिंपल इक्वेशन क्या कहता है, अगर कुछ मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए 2x = 7 है, तो ये 2 आप कहां लेके जाते थे, डिनोमिनेटर में जाएगा ना, राइट में जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यानी कि x = यहां पे 7/2 आता था आपके पास। क्लियर? तो ऐसे ही यहां पे ये दोनों टर्म्स आपके पास इसके मल्टीप्लाई में बैठी हुई हैं, तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, अब आपके पास है एच 1848 / π 22/7 आने वाला है, वो रेसिप्रोकल होके 7 ऊपर चला जाएगा, और आर स्क्वायर मतलब 7 × 7।
राइट, और आपके पास 7 है तो 7 × 7, ऊपर आपके पास मीटर क्यूब था, नीचे 2 मीटर आ गए, 7 × 7 2 मीटर आ गए, तो 1 मीटर आपके पास डायमेंशन बचेगा ओनली। ठीक है, अब चलिए कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहां इसको कैंसिल करिए, 11 से कर दीजिए, 11 × 2 = 22, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66 और 11 × 8 = 88 आएगा आपके पास, क्लियर, 168 आ गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 8 = 24, यानी कि आपके पास यहां आया 84/7 मीटर, तो कैंसिल कर दीजिएगा 12, यानी हाइट आपके पास आ जाएगी दोस्तों 12 मीटर, राइट, यानी एक ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक जिसका हाइट 12 मीटर है और बेस रेडियस 14 मीटर है, उसका कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम जो होगा 1848 मीटर क्यूब होगा, क्लियर। तो यहां पे करेक्ट आंसर मेरे पास क्या बनता है, 12 मीटर, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सी क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को अगर किसी आप अलग अलग अगर सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया और अलग डिफरेंट सेपरेटली आप अगर सरफेस एरिया निकालेंगे, तो आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस में चले जाएंगे और आपको कम से कम क्वेश्चन सोल्व करने में 5 मिनट लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्विक आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और प्रॉपर मेथड होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शॉर्ट ट्रिक है या कुछ, हाँ ट्रिक जरूर आप उसको कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 मार्क्स में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, एक प्रॉपर मेथड है, आप मेथड है आपके पास, आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो, किसका रेशियो चाहिए आपको, रिक्वायर्ड रेशियो आपको रेशियो करना है, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया, आपको यह भी ध्यान रखना है, टू लेटर या कर्व्ड सरफेस एरिया भी यहां पे होता है, तो हम ज्यादा कर्व्ड बोलते हैं लेटरल सिलेंडर के केस में, कर्व्ड होता है आपके पास, क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये है आपके पास रेशियो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया बाय सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज 2πr और ब्रैकेट r प्लस एच, सॉरी एच प्लस आर, 2πr ब्रैकेट एच प्लस आर, राइट, दिस इज द फार्मूला, आप r प्लस एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नीचे आपके पास सी एस ए क्या है, 2πrh, ये आपके पास क्या है, सी एस ए है। तो अब देखिए दोनों का फार्मूला आपको लिखना है, वैल्यू पुट अभी नहीं करना है, वैल्यू पुट अभी मत करिए, अभी पहले फार्मूले टू फार्मूले सोल्व करिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपको यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट h प्लस r और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, तो क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल हो रहा है, देखो आपके पास क्या बचा, h प्लस r डिवाइड बाय h। देखिए हम दोनों को सेम एच रखते हैं क्योंकि सेम सिलेंडर की बात हो रही है यहां पे, जब सेम सिलेंडर की बात हो रही हो, एक ही सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब यहां पे ये गलती मत कर देना कि आप एच से एच काट दो, ये मिस्टेक मत कर देना, जो कि कॉमन मिस्टेक बच्चों की होती है। ओके, अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एच कितना है आपके पास, हाइट, हाइट इज एच आपके पास है 60 सेंटीमीटर और रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दीजिए, एच है आपके पास 60 + 20 और बाय में 60, क्लियर, यूनिट जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं बचेगा आपके पास, तो क्या बना ये देखो, 60 + 20 = 80, 80 / 60, 0 से 0 कैंसिल, 8/6 कैंसिल कर दीजिए, 2 × 4 = 2 / 3, यानी कि रेशियो आ जाएगा 4:3, क्लियर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया सिर्फ फार्मूलों को पुट करने से, अगर आप अलग से निकालते, पहले क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, सारी वैल्यू पुट करी, 2 × π 22/7 × r का वैल्यू पुट किया, फिर पूरा ये सोल्व किया, फिर आपने सी एस ए निकाला, पूरा सोल्व किया, फिर कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया को सी एस ए से डिवाइड किया, इट विल टेक टाइम, सो टाइम को सेव करना है आपको, तो इस तरीके से आप सेव करें, यहाँ फार्मूले में पाई वगैरह कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, टू भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जिनको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम सीखते रहेंगे ऐसे और भी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ओके 4:3 मीन सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आगे बढ़ते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 24, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि
नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, लाइक दैट। यहां पे कहता है कि कुछ कॉइन्स हैं उनको मेल्ट करके आपको क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक टैंक बना देना है, सॉलिड सॉलिड बॉडी बना देना है सिलेंडर की शेप का। कहते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, इस ये रेडियस आपको मैंने दिखाने के लिए बना दिया, लेकिन इसका रेडियस जो है 0.75 सेंटीमीटर है, बहुत कम रेडियस है एज कंपेयर टू सिलेंडर। एंड थिकनेस 0.2, ये जो हाइट है आपकी इसका थिकनेस ये 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, टू बी मेल्टेड टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, अब देखिए इसका जो हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर है, एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है वो आपका आर जो है वो क्या है, आर 3 सेंटीमीटर है। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे कितने कॉइन्स सॉलिड कॉइन मेल्ट किए जाएं कि ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर बन जाए, क्लियर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिएगा बिल्कुल अलग अलग वॉल्यूम कभी मत निकालिएगा जब इस तरह के क्वेश्चन हो और रेशियो का क्वेश्चन हो, अलग अलग से दोनों मेजरमेंट मत निकालिएगा। यहां भी आप इस क्वेश्चन में देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, न्यू चुटकी में क्विकली सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, तो एक कॉइन का वॉल्यूम निकालिए। अब देखिए हम इनको अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं, कैसे कि यहां पे हम इसका इसका रेडियस आप कैपिटल ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान भी रहेगा अच्छे से, इसको कैपिटल एच और कैपिटल आर, क्योंकि बड़ा है इसलिए हम इसको कैपिटल एच कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हम इसको, ये छोटी हाइट है उससे एज कंपेयर टू द सिलेंडर, तो यहां पे हम इसको स्मॉल एच, स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना है 0.2 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका रेडियस और इसका थिकनेस यानी हाइट कम है तो हम इसको स्मॉल आर और स्मॉल एच मान लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा, आपके पास सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप हो गई, क्या होगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि ये सिलेंडर का वॉल्यूम है तो यहां एच और आर कैपिटल है, और यहां पे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि ये कॉइन का रेडियस और वॉल्यूम है और हाइट है, तो पाई से पाई तो यही कैंसिल हो गया। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए, वेरी इजी, आर स्क्वायर कैपिटल आर, ध्यान से 3 सेंटीमीटर यानी के 3 × 3 यूनिट सब कैंसिल हो जाएंगे, आपको लिखना लिख भी सकते हैं, इंटू हाइट आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर। और ऐसे क्वेश्चन में ये भी ध्यान कर लेना दोस्तों कि यूनिट सबके सेम है ना, ये मैं पहले ही देख चुका हूं कि यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है, तो इसीलिए यूनिट का टेंशन यहां नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहां पे कंफ्यूज करने के लिए किसी भी एक डायमेंशन का यूनिट चेंज कर देता है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। देखिएगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉइन यानी कि स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर इज 0.75, तो आप क्या करेंगे 75 × 75, अब 0.75 है, डेसिमल हटा रहा हूं तो बाई में 100 लगेगा, वो 100 कहां ले आएंगे, इनटू में ले आएंगे, वो 100 कहां ले आएंगे, इनटू में ले आएंगे, क्लियर, क्योंकि 2 टाइम्स डेसिमल रिमूव किया, 2 टाइम्स 100 इनटू में आ गया। इनटू हाइट, हाइट कितना है 0.2 यानी कि 2/10, 10 फिर कहां ले आएंगे, 10 हम फिर इनटू में ले आएंगे। तो यहां पे आपको अभी इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, देखिएगा क्विकली हम कैंसिल कर देंगे, 25 से कैंसिल करो इसको, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 से इसको करो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, अब 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्लियर। देखो अब 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 2, 4 जा 8, क्या बचेगा 4 × 4 × 4 × 4 16 16 × 4 64 64 × 10, क्या हो जाएगा 640, आंसर आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि 640 नंबर ऑफ कॉइन्स आप मेल्ट करेंगे तो इस मेजरमेंट का सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर आप बना पाएंगे मेटालिक, क्लियर। तो 640 आपके पास आंसर हो गया दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्लास 9 10th के बच्चों को भी मैं एडवाइस करूंगा, कभी भी अलग-अलग वॉल्यूम मत निकालिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि सेम टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 8 9 10th में थोड़ा-थोड़ा लेवल चेंज होके आता है बस, और कुछ खास चेंज नहीं है, फॉर्मूलेस वगैरह बेसिक वगैरह सब सेम है, ओनली थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है।
तो यहां पे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, डायरेक्टली आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी। और स्पेशली एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जहां पे अगर आप थोड़ा सा इस तरह के ट्रिक यूज करें तो क्विकली आप उनको आंसर कर पाते हैं, अदरवाइज आप लगे रहना एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सी क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। आपके पास एक सिल्वर है, कुछ भी किसी भी शेप में है हमें नहीं पता, ठीक है ना, मेटल है, सिल्वर है आपके पास, ये बॉडी है, मान लेता हूं ये सिल्वर है, इसका वॉल्यूम जो है 66 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर, तो इसको शेप को एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब दोस्तों जब वायर बनेगा तो आप देखिए, वायर जब बनता है तो वायर का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा। सपोज ये आपके पास वायर जो होगा वो इस शेप में होगा, तो वायर का ये कोई डायमीटर होगा। क्लियर, ये डायमीटर होगा और ये उसका लेंथ होगा वायर का। क्लियर, तो लेंथ आपको पता करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ आपको पता करना है, लेंथ का वैल्यू आपको एल का वैल्यू फाइंड करना है। एल मतलब एच हो जाएगा, यानी कि एल इज इक्वल टू एच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपके पास सिलेंड्रिकल वायर है। वायर क्या है, सिलेंड्रिकल है, सॉलिड वायर है इस तरीके से, तो सिलेंडर होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर, तो डायमीटर 1 मिलीमीटर है, यहां पे वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, यूनिट चेंज हो गया, तो आपको यूनिट सेम करना होगा। कैसे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मिलीमीटर को, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है दोस्तों 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, 10 को नीचे ले आए, यानी 1/10 सेंटीमीटर, तो यहां पे ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये तो आपके पास डायमीटर है ना, आपको तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका हाफ होगा, यानी इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1/20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और अब आपको हाइट निकालना है, यानी कि लेंथ निकालना है, तो वॉल्यूम आपको क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर, यानी कि सिलेंड्रिकल वायर है तो वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, यानी पाई आर स्क्वायर एल, यहाँ पे एल या लेंथ एच, ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है 66, इसका मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, अब आपको एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 डिवाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, तो एच का वैल्यू क्या होगा, 66 अपॉन पाई आपके पास है 22, नीचे का 7 रेसिप्रोकल होगा, न्यूमिरेटर में आ जाएगा। क्लियर, r square मतलब r आपके पास कितना है, 1/20, इसको स्मॉल r कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल r, यहां पे स्मॉल r लिया है हमने, इसलिए दैट इज 1/20, r square है, ध्यान रखिएगा, 1/20 into 1/20, 1/20 नीचे 20 आएगा ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे 20 आएगा ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास 1 रहेगा ओनली, ये आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सारे यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो आपका हाइट यानी कि लेंथ ऑफ द वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको दोस्तों कैंसिल करिए, 22 1 जा 22 3 जा, क्लियर, 66 से कैंसिल हो, एच इक्वल टू क्या होगा, 7 into 3 21 21 into 2 42 42 into 2 84 84, और यहां पे 00 भी बैठा है, 00 सेंटीमीटर। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर नहीं है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे सेंटीमीटर है और आंसर में आपको मीटर गिवन है, सो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में फिर से आपको कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड हियर, डिवाइड कर दो 100 से, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपके पास मीटर, 00 कैंसिल हो गया, दैट इज 84 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका 84, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 25 ओवर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 से 30, और ये एपिसोड हमारा जो है यहीं पे, टोटल सीरीज जो है ये एमसीक्यूज का फ्रॉम आरएस अग्रवाल फिनिश हो जाएगा इन नेक्स्ट वीडियो ओनली, देन वी विल स्टार्ट मेंसुरेशन एरिया एंड पैरामीटर एंड डिस्टेंस एंड स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की वीडियो कुछ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, जय हिंद जय भारत।